नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर है 37। विषय है सामाजिक विज्ञान। क्लास 9 की डेट है 29 सितंबर 2020। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो SST का है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, यानी कि हमारे वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में, जीवन जो जीव जंगल में रहते हैं। इस वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविध वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व के 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर आता है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूल पाए जाते हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। भारत देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे, जिन्हें फर्न, शैवाल, एलगी जिसे बोलते हैं, कवक, फंजाई जिसे बोलते हैं, पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे पानी, समुद्री पानी में भी पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है? वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उगा हो, यानी कि अपने आप पैदा होता है। जंगल जिसे बोलते हैं, फूल, पौधे, पेड़, और लंबे समय तक उस पर मानव का प्रभाव ना पड़े। इसे अक्षित वनस्पति, यानी कि जिसको ह्यूमन ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हो, वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, तथा जो भारत के बाहर से आई है उसे हम विदेशज वनस्पति भी कहते हैं। किसी क्षेत्र या समय काल विशेष के पौधे को फ्लोरा पादप कहा जाता है। मतलब किसी विशेष समय में विशेष जगह पाए जाने वाला पौधा जो विशेष क्वालिटी का हो उसे बोला जाता है फ्लोरा। और अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया का कोई स्पेसिफिक, यानी कि स्पेशल जानवर है, वन्य प्राणी है, उसे फोना कहा जाता है। वनस्पति और वन्य प्राणी में विविधता के कारण, नंबर एक धरातल, क्या कारण है दोनों में विविधता का? धरातल, भूभाग। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? उपजाऊ भाग प्राय कृषि की जाती है, जबकि उबड़ खाबड़ वाले जो भाग है वहाँ पे जंगल, घास के मैदान पाए जाते हैं। दूसरा, मृदा। मरुस्थल की बलुई मिट्टी जो होती है, कंटीली झाड़ियाँ, नदियों के डेल्टा क्षेत्र, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी होती है, और शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं, यानी कि पर्वत जहाँ पर काफ़ी तीखा ढाल होता है वहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन। आगे क्या है? जलवायु। धरातल के बाद अगला पॉइंट है जलवायु। तो जलवायु में तीन बातें हैं, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण। वनस्पति की विविधता और विशेषता तापमान पर भी निर्भर करती है, वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। किस जगह का तापमान कम है तो वहाँ वनस्पति अलग होती है, ज़्यादा है तो वहाँ पर वनस्पति दूसरे तरह की होती है, और वायु में नमी का प्रभाव भी पड़ता है। तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना वनस्पति को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रतिकूल मतलब उल्टा प्रभाव, ज़्यादा कम होने पर वनस्पति सही नहीं रहेगी, ज़्यादा होने पर वनस्पति खराब हो सकती है। सूर्य का प्रकाश भी होता है, वहाँ के अक्षांश, समुद्र से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है, और प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। वर्षण, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, जो वन होते हैं काफ़ी सघन होते हैं, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वन जो है सघन नहीं होते। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। भारत में कितने प्रकार की पादप पाई जाती है? तो कुल 5 प्रश्न हैं, उनको हमने लिखा भी है। भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती है, क्या लिखा था उसमें? 47,000। अगला क्या है? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों के नाम लिख सकते हैं हम लोग, एक विशेष क्षेत्र में उगने वाला पौधा, जिससे पेड़ पौधों को वनस्पति कहते हैं, और हमारे आसपास जो कुछ पौधे, नीम, शीशम, बरगद, पीपल, आम और अमरूद का पेड़, तुलसी। अक्षित वनस्पति, जिसको किसी ने नुकसान न पहुंचाया हो, तो वह वनस्पति जो मनुष्यों की सहायता के बिना अपने आप उगती है और लंबे समय तक उस पर मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अक्षित कहलाती है। यह वनस्पति हमारे द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों से अलग होती है, क्योंकि यह मनुष्य की सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से अपने आप उगने वाली वनस्पति होती है। किन्हीं दो देशज और दो विदेशी वनस्पतियों के नाम। तो देशज में बरगद और नीम है, जो हमारे देश के ही हैं। विदेश में सफ़ेदा, यूकेलिप्टस और चाय का।
ये सब बाहर के देशों से हमारे देश में आई गई। वनस्पति तो अन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है, तो तीन बताए गए थे, भूभाग, मिट्टी, तापमान, और इसके बाद क्या था, तापमान दो बार लिख दिया गया है, एक बार लिखना है सूर्य का प्रकाश और वर्षण। तो धरातल, मृदा, तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण, ये किसी भी वनस्पति या अन्य प्राणियों में विविधता का कारण बनते हैं। इनके आंसर थे, वर्कशीट में ही दिए होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर भी समझ में आए होंगे, वर्कशीट भी समझ में आ गई होगी। वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वर्कशीट से, तब तक के लिए गुड।